हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तान एरिया नेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूँ वर्षा सुखेज। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है, इंडिया स्टार्ट वेलकमिंग वर्ल्ड फॉरेन मिनिस्टर फॉर G20 मीटिंग, रशियन FM सरप्राइज सल्यूट इन इंडिया। G20 मीटिंग में जब वर्ल्ड लीडर से पहले दुनिया के जो G20 कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और उनकी मीटिंग होती है बड़े लेवल पे। सारी दुनिया के अमीर देशों के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम भारत पहुंच रहे हैं और भारत में रंगलेरिया भाई बली मची हुई है, मेला मतलब लगा है फॉरेन जश्न का। का समय है हाँ, जश्न का। तो कैसे वेलकम भारत का सबका। हाँ, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर भी आया, बाकी और देशों के भी आए। देखते हैं सारी बात, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों देख लीजिए भारत के शान की, आन की, बान की तस्वीरें देख लीजिए। और भारत के अंदर G20 की जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने जा रही है, भारत की शान को चार चांद लगा रही है। अलग अलग देशों के विदेश मंत्री और उनके डेलीगेशंस का भारत आना शुरू हो गया है। क्या UK, क्या तुर्की, क्या मॉरिशियस, क्या नाइजीरिया और क्या यूरोपियन यूनियन और क्या चाइना, अलग अलग देशों के विदेश मंत्री भारत के अंदर पहुंच रहे हैं। भले ही खबरें मिल रही हों कि साउथ कोरिया और जापान के विदेश मंत्री नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उनके ना आने से G20 की मीटिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देख रहे हो G20 की विदेश मंत्रियों की मीटिंग जहां पर होने वाली है, उस बिल्डिंग के अंदर। जिस तरीके से बिल्डिंग को सजाया गया है, तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं और G20 के साथ ही वर्ल्ड का एक मैप आपको दिखाया गया है और साथ में ही जहां पर ये मीटिंग होनी है उस बड़े हॉल को भी दिखाया गया है जहां पर विदेश मंत्रियों के साथ साथ अलग अलग देशों का डेलीगेशन बैठने वाला है। अब दोस्तों आपको तस्वीरें दिखाते हैं रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरेव की, जो भारत के अंदर पहुंचे हैं और भारत के अंदर वार्म वेलकम उनका हुआ है और उन्होंने जो सल्यूट ठोका है भारत के एक लीडर को, तो वाकई में ही ये तस्वीरें एक देखने लायक हैं। हालांकि रशिया के विदेश मंत्री सबसे पहले भारत पहुंचे हैं, अगर रशिया की जो तुलना है अमेरिका और चाइना से की जाए, अमेरिका और चाइना के ऑफिशियल नहीं पहुंचे हैं लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं। हालांकि वो अभी आएंगे लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। दोस्तों जापान और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन उनके जो और मिनिस्टर हैं निचले लेवल के, वो मिनिस्टर भारत के अंदर जरूर आएंगे। और आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं साउथ कोरिया के डेलीगेशन की। हालांकि साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर काम करती हैं लेकिन उनके विदेश मंत्री नहीं आए हैं, तो ये काफी नाराजगी वाली बात है। लेकिन नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। साउथ कोरिया के जो एम्बेसी है, उनके जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक वीडियो भी निकाला है RRR मूवी का, जिसके अंदर वो काफी अच्छा डांस कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हो। और इन्होंने भारत के G20 के मीट और भारत की शान में एक चार चांद लगाए हैं जिस तरीके से इन्होंने डांस किया है, ये बात भी आपको पता लग गई। और भारत के विदेश मंत्रियों की मीटिंगें भी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से हो रही हैं। आपके सामने ट्विटर पर ट्वीट चल रहा है, भारत के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है चेक रिपब्लिक के ऑफिशियल के साथ, फिर एक ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, फिर तुर्की के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग हुई है और तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की है। ऑपरेशन दोस्त और जितने भी पर्सनल तुर्की के अंदर लोगों की जाने के बचाने के लिए पहुंचे थे, और भारत के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री के साथ G20 के एजेंडे और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और बायलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के बारे में बातें की और जयशंकर जी ने इसका ट्वीट भी किया। इसके बाद दोस्तों भारत के विदेश मंत्री मॉरिशस के विदेश मंत्री से भी मिलते हैं और फिर मीटिंगें होती हैं डेनमार्क के विदेश मंत्री से, और फिर अलग अलग देशों के जो डेलीगेशन है वो G20 के अंदर पहुंचने लग रही हैं, उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हो और बेसिकली ट्वीट भी आपके सामने चल रही हैं। दोस्तों जापान के साथ एक मजेदार बात यह है कि 2 मार्च को ये मीटिंग होने जा रही है विदेश मंत्रियों की, यानी कि कल, लेकिन 2 मार्च के बाद 3 मार्च को क्वाड की मीटिंग भी भारत की नई दिल्ली के अंदर होने जा रही है। लेकिन अब जब जापान के विदेश मंत्री नहीं पहुंचे हैं तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मीटिंग रद्द होगी।
दोस्तों खबरें तो सोर्सेज के जरिए ये भी आ रही हैं कि ये मीटिंग रद्द नहीं होगी, बल्कि जापान के जो विदेश मंत्री हैं वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग के अंदर शिरकत कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट निकली है दोस्तों, G20 की मीटिंग बहुत खास है और रशिया और यूक्रेन की जंग के ऊपर नजरें हैं। भारत रशिया को एक क्रिटिसाइज करने देगा इस विदेश मंत्रियों की मीटिंग में या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी निकली है कि भारत के विदेश मंत्री, रशिया के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी इस एक G20 की मीटिंग के पहले होने जा रही है और ये एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी जिसके अंदर भारत मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। हालांकि आज यूक्रेन की जंग रुकवानी है तो आपको भी पता है कि यूक्रेन के डेलीगेशन की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका को आप बिठा लो, रूस को बिठा लो और बीच में मीडिएटर कंट्री को बिठा लो, अगर जंग रुकनी है तो ये तीन देश ही रोक सकते हैं। और यही कारण है कि ये ट्राइलेटरल मीटिंग जो होगी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। खैर, भारत के अंदर G20 के अंदर अगर ये शांति समझौता हो जाता है तो भारत के G20 को चार चांद लग जाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। जंग रुकवाने के लिए रशिया और उनकी मीटिंग करवाएगा यूएस की। ओ भाई, इस टाइम भारत में मेला लगा हुआ है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। साउथ कोरिया मतलब नहीं आया उसका, लेकिन उन्होंने बड़ा डांस किया है, मतलब एक डांस का ट्रिब्यूट दिया, शायद उसका रीजन हो। लेकिन जापान के तो कल वर्ल्ड अफेयर्स का हमने वीडियो देखा था, उसपे वो बोल रहे थे प्रशांत अंसार कि वो यूक्रेन की वजह से नहीं आ रहा। यूक्रेन, ये तो मतलब यार गलत है। देखा जाए, देखो पूरी अमेरिका तक आ रहा है यार, तो मेरी नजर लेकिन इसको कीड़ा चल यार भाई, भारत सेट कर देगा जल्दी, बिल्कुल सेट हो जाए, वो मसला नहीं है। लेकिन यार एक इतना अच्छा दोस्त है, मैं एक बात बताऊं, अगर बोला जाए ना टॉप फाइव में, हर हालत में हर इंडियन भाई रखेगा भाई। हाँ। देखो आजकल इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। देखो यार, उसको अमेरिका ने बोला होगा प्रेशर बना तो बना, तो अमेरिका फिर खुद मुंह उठा के आ गया भाई, बस बस ही है, इसी तरह चलती है दुनिया यार, कुछ मसला होगा। बोले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने तो सैल्यूट मारा, सैल्यूट। हाँ यार, मुझे दिल कुछ हुआ यार, सच बताऊं मैं। सबसे पहले कोई फॉरेन मिनिस्टर आया तो रशिया का, तो भारत ऐसे दोस्त के साथ कहाँ छोड़े, कहाँ छोड़ता है। फिर यही बात है, इधर आते हैं फिर कहते हैं कि रशिया के साथ आप क्यों इतना करते हो। रशिया हर मामले में, मैं कहता हूँ जितनी रिस्पेक्ट इंडिया को रशिया देता है ना, मैं कहता हूँ वो चाइना को भी नहीं देता जितनी रिस्पेक्ट वो देता है इंडिया को। यार अगर सच्ची बात देखी जाए तो इस मामले में अभी पूरी दुनिया से आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, आ रहे तुर्की के मुझे फॉरेन मिनिस्टर ने तारीफ की है, बड़ी बड़ी जमकर की है। उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन बहुत जो चलाया, आप लोगों ने जितनी हमारी मदद की है और भी हर चीज हर लिहाज से उन्होंने जो है ना तारीफ की है। यार बनता है सच भाई, भारत तारीफ के लायक है तो देखो तारीफ हो कर रहे हैं। भारत जिस तरीके से उनके हर जगह पे हेल्प करता आ रहा है तो वो काबले तारीफ है। तो फिर वो जाहिर बात है, फिर सारे तारीफ कर रहे हैं और मेला लगा हुआ है फॉरेन मिनिस्टर का, इसके बाद दूसरा बड़ा मेला लगेगा, मजा आ रहा है। अब आगे क्या क्या अपडेट्स निकल के आती हैं तो आगे देखेंगे। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो यार भाई।